कांग्रेस के राज में, सत्तर ने उसने क्या किया? बीजेपी जा रही है और कांग्रेस प्रदेश में भी और देश में आ रही है। 10 साल मुख्यमंत्री रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जात को देख के वोट नौकरियां देता था और पैसे देख के वोट देता। हुड्डा साहब ने 5 PGI एम्स, हुड्डा साहब ने इतने काम किए थे तो सोनीपत से उनको हरा क्यों दिया? पहले आप वो बात बताओ कि आपका मन क्यों बदला? मन कोई बात नहीं बदलता रहता है। इसका मतलब आपने बीजेपी से ये नहीं पूछा कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, कि चंद्रबाबू नायडू हो तो वो दूसरा दुला हुआ। इनसे पूछे केजरीवाल को कौन सी वॉशिंग मशीन में धोया इन्होंने, ये हमारी बात करते हैं। न्यूज 18 हरियाणा के विशेष प्रोग्राम खुला अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत लोकसभा के अंदर, और सोनीपत लोकसभा एक विशेष लोकसभा है। पिछली बार की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो कुछ वोटों से हार गए थे, और रमेश कौशिक यहां से चुनाव जीते थे। अब की बार की अगर बात करें तो यहां से सतपाल ब्रह्मचारी जो कि हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से मोहन लाल बडोली को टिकट दिया गया है। INLD के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर हैं, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर हैं। सभी पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर अब की बार चुनाव हो रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, क्या दावे हैं पार्टियों के, उनसे बात करेंगे। जैसा कि मैं सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करता हूं, क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है 10 साल तक, तो उन्हीं से सवाल बनते हैं। तो दिनेश अत्री हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। अत्री जी, आपके पिछले सांसद थे रमेश कौशिक, दो बार से लगातार सांसद थे, अब की बार ऐसी क्या जरूरत, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि उम्मीदवार बदलना पड़ गया? देखो, ये पार्टी की हाईकमान का या ऊपर वालों का फैसला होता है, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, नड्डा जी का फैसला है। अब उन्होंने क्या देखा, और मोहनलाल जी जो रमेश कौशिक जी थे, 10 साल उन्होंने भी डट के काम किया सोनीपत में। उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने यहाँ के जितने 8 तो हाईवेज जो सोनीपत को के संपर्क में है, आज आप जाके देखो 10 साल पहले का जो सोनीपत था और 10 साल जो अब सोनीपत है उसका नक्शा ही बदल दिया। आप कहीं की एक सांसद का जो काम होता है, हाईवेज, 8 हाईवेज कनेक्ट करते हैं, रेलवे कोच फैक्ट्री, खरखोदा में मारुति, तो ये इतने अनेकों बहुत सारे काम है जो रमेश कौशिक जी ने बहुत सरलता से किए। सरकार ने कुछ नहीं किया अभी? नहीं, प्रदेश सरकार ने भी किया। प्रदेश सरकार ने किया कि ईमानदारी से शासन को चलाया। चिकारा जी, सुरेंद्र चिकारा है कांग्रेस से, कह रहे ईमानदारी से शासन को चलाया है और अनेकों काम गिनवा रहे हैं कि रमेश कौशिक ने यहाँ किए हैं जो कि सांसद थे यहाँ के, लेकिन उम्मीदवारी बदल दी आपकी बार तो मोहनलाल बडोली आ गए। मेरे को तो एक समझ नहीं आ रही, रमेश कौशिक को टिकट मिला नहीं, मोहनलाल बडोली को टिकट मिला है। बात करते हैं ये मोदी की, यहाँ से कैंडिडेट मोहनलाल बडोली, और पिछले 5 वर्ष मैं अपने साथी को बता दूं अत्री साहब को कि वो राही हल्के से MLA भी रहे हैं, और मैं एक आपके न्यूज 18 के माध्यम से खुला चैलेंज आपके माध्यम से मैं करना चाहूंगा कि 5 वर्ष में एक भी विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन अपने राही हल्के का उठाया हो, एक भी विकास कार्य करवाया हो, एक भी किसी प्रकार का भी कोई एक भी लड़का कोई रोजगार के नाम पे, एक भी कोई सड़क के नाम पे, कोई कॉलेज के नाम पे, किसी भी नाम पे। कमाल की बात करते हैं, मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, बोला जी हाईवेज बनवा दिए, ये बनवा दिए, और गडकरी ने बनवाए, विधायक ने क्या बनवाए 5 वर्ष में, सत्ता का जिस प्रकार। लेकिन ये जो चुनाव है वो लोकसभा का ही चुनाव है, नितिन गडकरी के अगर वो काम गिनवा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 5 वर्ष में वो विधायक जो रहा कम से कम वो अपनी भी तो बता दे कि मैंने ये किया। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस प्रदेश में भी और देश में आ रही है। कुणाल जी, INLD की कहीं ना कहीं कहें कि तो सोनीपत के अंदर अच्छा वोट बैंक रहता था INLD का, और चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर वोट मांगे जाते हैं, आज भी मांगते हैं, आप क्यों वर्चस्व नहीं दिखता? देखिए, बिल्कुल इंडियन नेशनल लोकदल का जो सोनीपत में वजूद था और अब भी है, वो इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, KMP का जो नींव की पत्थर रखी थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी थी। अगर गवाणा के अंदर शुगर मिल बनवाया था वो परम पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनवाया था। मुरतुल के अंदर अगर लड़कियों का कॉलेज बनवाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनवाया। आज सोनीपत के अंदर, गवाणा के अंदर, खरखोदा के अंदर, गन्नौर अगर नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी बनवाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनी। लेकिन लगातार पूरे प्रदेश में एक आवाज आ रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल वजूद की लड़ाई लड़ रही है, कैसे देखते हैं आप? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में थी, जब सत्ता में थी लोगों की भलाई के लिए काम किए, चाहे पेंशन की बात करें, बेरोजगारी भत्ता की बात करें। इंडियन नेशनल लोकदल उसके बाद
नौ सीटें आई, 932 सीटें भी आई, हमारे दो दो राज्यसभा में सांसद भी बने, हमारे दो लोकसभा में सांसद बने। पिछली बार तो आपकी टिकट पर सुरेंद्र चिकारा लड़े थे, वो कांग्रेस में चले गए। वो देखिए उनका पर्सनल वो है, निर्णय है कि वो जब हमारे यहाँ पे थे उन्होंने कहा कोई दाने दिखे नहीं पार्टी में। नहीं, वो सबका पर्सनल व्यू है कि वो भाई किस पार्टी में। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अगर हम सुबह देखते हैं वो किस पार्टी में है, शाम को किसी पार्टी में, पर जो इंडियन नेशनल लोकदल का असली कार्यकर्ता चौधरी देवलाल जी की नीतियों में विश्वास रखता है, आज भी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा है। जनता पार्टी से जानते हैं। हाँ जी गुप्ता जी, बताइए, जननायक जनता पार्टी तो 4.5 साल तक सरकार में रही, लेकिन जैसे ही सरकार से अलग हुई एकदम बिल्कुल बिखर गई, खिंड गई, जैसे हरियाणवी में कहते हैं। ऐसा जी, ये बिखराव हर पार्टी में होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वो हमेशा सत्ता की तरफ भागते हैं। दूसरी बात, दूषण जी सत्ता में रहे 4.5 साल, जनता ने उनको 10 सीटें दी थी, यानी 20%, सरकार में किराएदार की हैसियत से उन्होंने काम किया, लेकिन अपने एजेंडे के सारे काम उन्होंने पूर्ण करवाए सरकार में रह के। जैसे अभी मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे मारुति सांसद मुद्दे लाए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सांसद का कोई रोल नहीं है और ना बीजेपी का कोई रोल है, इसको लेने वाला केवल और केवल दुष्यंत चौटाला लेकर के कहां से लेके आए अगर सांसद का और बीजेपी का रोल। हाँ मैं बताता हूँ ना जी, हमारी सरकार में हिस्सेदारी थी, विभाग हमारे पास था, अगर बीजेपी लाने वाली थी दो आई तो सेंटर से ही है, सेंटर से ही आई। ना ना, गलत कह रहे हो आप, स्टेट से आई है, स्टेट से आई है। आप सुनिए मेरी बात पूरी, 2014 से 2019 तक बीजेपी पूर्ण बहुमत थी, गुड़गावा से मारुति का एक यूनिट गुजरात में चला गया, उसको रोक नहीं पाया, नया ले आएंगे ये। अरे इतने भी बेगर्द हो गए कि अब 4.5 साल के बाद अब वो हैराने लग गए। नहीं, बात बेगर्द की नहीं है, बात जो स्थिति है, जेजेपी कल भी स्पष्ट थी, आज भी स्पष्ट है और कल भी स्पष्ट रहेगी। दिनेश जी, आपसे जानता हूँ, आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं केवल मोदी के नाम पर आप वोट मांगते हैं, धारा 370 के नाम पर, कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर, लोकल जो मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं गिनवाते? महंगाई है और है, ये जितने बेरोजगारी, ये मुद्दे पर क्यों नहीं? अभी देखो, अभी अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो लोकल मुद्दों की बात करें तो लोकल मुद्दे जितने भी हैं हरियाणा में, अब मुझे एक चीज बताओ कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो करने लायक था? बेरोजगारी के ऊपर, एक बेरोजगारी के ऊपर जो कहा जाए, बगैर बगैर खर्चे, बगैर पर्ची का रोजगार, एक गरीब जो गरीब है, बगैर क्षेत्रवाद के और बगैर किसी वंशवाद के, रोजगार रोजगार रोजगार, जब गरीब का बच्चों रोजगार मिलता है ना तो पता चलता है उस घर में दिए चलते हैं। जो सरकार जी ना 10 साल मुख्यमंत्री रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जात को देख के वोट नौकरियां देता था और पैसे देख के वोट देता। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैसे लेकर के नौकरी देते थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी की। देखिए देखिए, एक बात तो ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में कोई काम, पांच वर्ष में कोई क्या कहना चाह रहे? कोच फैक्ट्री बीजेपी प्रवक्ता से पूछो, कोच फैक्ट्री कौन लाया था उसको आप बताओ ना। भूपेंद्र हुड्डा लाए थे। कुल मिला के बात है, हुड्डा साहब ने 5 PGI एम्स, इन्होंने एक भी हॉस्पिटल बनाया। हुड्डा साहब ने इतने काम किए थे तो सोनीपत से उनको हरा क्यों दिया? देखो, खुद लड़ने के लिए आए थे फिर भी हरा दिया आप लोगों। देखो उस टाइम मोदी जी ने जो पुलगांव में हमारे भाई मरवा के किस शहीद करवा गए उनके नाम पर वोट बटोरने का काम किया था। आपके सामने सारी बातें हैं, किस प्रकार झूठ खेला गया। पहले आप वो बात बताओ कि आपका मन क्यों बदला? आप 2019 में वहां से लड़े, 24 में अभी यहाँ, मन क्यों बदला? मन इसलिए बदला, मन कोई बात नहीं बदलता रहता है। इसका मतलब आपने बीजेपी से ये नहीं पूछा कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, कि चंद्रबाबू नायडू हो तो वो दूसरा दुला हुआ, वो जहाँ से अगर मान लो पवार है वो गया तो 3000 करोड़ का शरद घोटाला, पृथ्वीराज चौहान है तो वो बात आप नहीं पूछेंगे। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि 2014 तक प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था, अपराध मुक्त नंबर 1 हरियाणा था, रोजगार में सबसे अव्वल हरियाणा था, और उस समय एक कहानी चली थी कि हुड्डा साहब तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और किसान भी खुशहाल था, व्यापारी भी खुशहाल था, और हर चीज हर मालो माल था प्रति व्यक्ति आय में हर जगह। और आज इस बीजेपी की निकम्मी सरकार में ये हरियाणा 14वें नंबर पे पहुंच गया बेरोजगारी में, अपराध में नंबर 1। आप बताइए कि भाई साहब ये वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे केजरीवाल को कौन सी वॉशिंग मशीन में धोया इन्होंने, जो केजरीवाल से इन्होंने वो तय कर लिया। ये हमारी बात करते हैं, केजरीवाल सवाल तो बनता है जो केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे को गाली निकालते थे वो दोनों एक कैसे हो गए? आप एक बात बताएं,
हमने इस भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से बाहर करना है। और रही बात इस बात की, केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं है, जबरदस्ती मंडेगा ना कोई आज तक तय कर पाया। और संजय सिंह को जमानत इसलिए मिली, केजरीवाल जी को मंत्री सारे मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, सब जेल में है, केजरीवाल भी जेल से बाहर आए हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं केजरीवाल और जो कांग्रेस है दोनों आपस में मिल गए, आपको क्या लगता है? ये तो जी एक साफ बात है, कांग्रेस को खत्म करने वाला केजरीवाल है, दोनों स्टेट में कांग्रेस खत्म कर रखी है, कांग्रेस को खत्म करने वाला केजरीवाल है। देखिए अगर हम बात करें अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, उसका गठबंधन है तो जनता के साथ है, और पार्टियों को आज बैसाखी की जरूरत है, पर इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता आज भी जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियों पर लड़ रहा है। लेकिन आप लोग तो कहते थे, अभय सिंह चौटाला सदन के अंदर कहते थे कि SYL का पानी अकाली दल नहीं दे रहा, अब अकाली दल के साथ फिर गठबंधन कर लिया। देख लिए जितनी SYL की लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी है उतनी किसी भी पार्टी ने नहीं लड़ी। हमने चंडीगढ़ भी जाके जेल में रहने का काम किया, हमने संसद में जाके भी संसद का घेराव करने का भी काम किया। वो कह रहे हैं SYL का मुद्दा हमने उठाया, चौधरी देवीलाल के को तो आप भी पूछते हैं, आरोप क्यों लगते हैं कि 4.5 साल तक केवल खाए गए और उसका कोई निकला नहीं? किसी के पास कोई सबूत है तो दो, और मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूँ। मेन शराब घोटाला भी मेरे साथी बोल रहे हैं, 2019 में रेवेन्यू 135 करोड़ था, 2023 में 600 करोड़ है, 2019 में 13,000। दोनों की सरकारें इतने घुलमिल के चल रही थी तो फिर अलग अलग क्यों होना पड़ा आपस में? ये बीजेपी की धोखाधड़ी है, मौका है। महिला भी हमारे साथ मौजूद है, क्या आज के मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता वोट करे? सबसे बड़ा जो हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, और दूसरे अगर हम महिलाएं भी त्रस्त हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल कोई भी महिला यहाँ पर सेफ नहीं है। आप मणिपुर में देख लिए, क्या कुछ भी अगर धरातल पर होता है हम महिलाओं के साथ बुरा, उसको सोशल मीडिया पे कहीं दिखाया नहीं जाता। एक बार हाँ आप बताइए क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता आप वोट करेगी? सोनीपत की जनता, सोनीपत की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो, सारे के सारे दुखी, हर वर्ग दुखी है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई भी चीज़। हाँ, वो बताया, आप बताइए और क्या? तो मैं एक महिला होने के नाते रसोई में मैं भी काम करती हूँ, है सिलेंडर कहाँ गया है, आसमान छू गया है, पेट्रोल। देखिए हम ये इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन हम 8500 रूपए हर महीना महिलाओं को देंगे, 500 रूपए का गैस का सिलेंडर देंगे, और 300 यूनिट प्रति व्यक्ति हर घर बिजली फ्री करेंगे, केजरीवाल की तरह नहीं जी हमने। और दूसरी बात, कांग्रेस जो कहती है करती है, वो कह रहे हैं न्याय करेंगे हम जनता के साथ। आज मुद्दा है ना भूपेंद्र हुड्डा या खट्टर का नहीं है, आज मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा है कि देश हित में कौन क्या है। अब मैं बताऊंगा, 70 साल ही कांग्रेस के राज में, 70 ने उसने क्या किया, और मैं बताऊंगा 70 साल में कांग्रेस ने 24 एयरपोर्ट बनाए, बीजेपी ने 10 साल में 63 एयरपोर्ट बनाए, एजुकेशन में 15 IIT 15 IIM बनाए, कांग्रेस ने 10 साल में 13 बनाए, हेल्थ में कांग्रेस ने 70 साल में 1 एम्स बनाया, जबकि 23 एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। और सर तीन सिटीज में सिर्फ मेट्रो थी, कांग्रेस राज में 3 सीट में, आज 10 सिटीज में मेट्रो दौड़ रही है। दिनेश जी सोनीपत की बताओ, सोनीपत की आज सोनीपत बिल्कुल चमक रहा है। अगर आपने 10 साल में काम कर दिए हैं तो अब जनता क्यों वोट दे आपको, और क्या करेंगे? ये इसलिए दे जनता में वोट कि 10 साल में हमने ये दिखा दिया कि किस निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रदेश की सरकार कितनी ईमानदारी से काम किया है। और आने वाले समय में एक और मिसाल पैदा करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना बढ़ के और काम करेंगे मोदी जी। कोई भी किसी भी देश में कोई इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का मजबूत होगा। तो कह रहे हैं विदेशों में डंका बजा दिया मोदी ने, कहाँ बजा मैं बता रहा हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसकी सड़क बिजली पानी मजबूत होगी, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आओगी। इनने देश बेच रखे सारा, इसलिए ये हाईवे बेच दिया, तो कहीं ना कहीं जो बात आ रही है कि देश बेच दिया, लेकिन लगातार जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, जिस तरह की बात दोनों पार्टियों की तरफ से कही गई है, अब देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर जब 25 मई को वोट पड़ेंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे, तो जनता किसके पक्ष में वोट करती हुई नजर आती है और अपना आशीर्वाद किसको देती है। कैमरामैन सलमप्रीत के साथ अंकित।